रांची अपने हस्बैंड अविनाश द्विवेदी एंड फैमिली के साथ गणपति बप्पा को अपने घर लेकर जाने पूरे धमाके के साथ। नजर आई ढोल पर डांस करती और साथ ही करती दिखी सभी रिचुअल्स को पूरा। तो भावना ने ये भी शेयर किया कि वो बप्पा से सबसे ज्यादा थैंकफुल है किस बात के लिए। बप्पा को घर लाने की जो खुशी है वो आप सुन सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक पापा कि मुझे इतने हेल्थ इश्यू से धीरे धीरे वो निकाल रहे हैं बाहर, और बस मैं अपनी हेल्थ को ठीक रखूं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आपने सजावट ऑलरेडी देख ली है ना, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे लगता है हर साल से कहीं ज्यादा, हमें हर साल ऐसे लगता है कि सबसे खूबसूरत सजावट इसी साल है, लेकिन इस साल वाकई बहुत खूबसूरत सजावट है। एंड हम लोगों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि पापा को बस घर ले जाए फटाफट। ये इंटरव्यूज के आप लोगों के लिए हम लोग रुके हुए हैं, वरना अभी तक पापा को घर पे ले जा चुके होते हैं हम लोग। मैं बताऊंगी अभी अभी दिखा दिए मैंने, तो फिर वैसे भी जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक वो नहीं दिखाना चाहिए, तो मैंने उनको अंदर से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज वही अंदर से ही कवर करके लाओ, पूजा एक बार हो जाए तब आपको दिखेंगे कि कितने क्यूट पापा है मेरे, इतने क्यूट। इस बार मतलब मेरे ख्याल से इतने सालों में आई एम श्योर जब भी लोग देखेंगे पापा को, इस बार आईज सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हमने बहुत टाइम लगाया है पापा सिलेक्ट करने में, और मुझे जहाँ पे लगा कि ये मेरे पापा से मेरी आंखें बिल्कुल वहां पे रुक गई हैं, हमने वहीं पे डन कर।